असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद मामले में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि असम सरकार इनर लाइन फॉरेस्ट रिजर्व को विनाश और अतिक्रमण से बचाने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी। मिजोरम के साथ सीमा पर हुए संघर्ष में राज्य के 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। इनके अलावा एक शख्स की मौत की भी खबर है और 60 लोग घायल हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि असम सरकार सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मिजोरम की सीमा से लगे कछाड़, करीमगंज और हैलाकांडी जिलों में 3 कमांडो बटालियन तैनात करेगी। असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि यहां सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और झूम की खेती के लिए जंगलों को साफ किया जा रहा है, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। झूम खेती एक कृषि गतिविधि है जहां खेत को पेड़ों और अन्य वनस्पतियों से साफ किया जाता है और फिर आग लगा दी जाती है। पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्यों में इस प्रथा का पालन किया जाता है। हेमंत बिस्वा सरमा का कहना है कि विवाद भूमि को लेकर नहीं है, बल्कि आरक्षित वनों के अतिक्रमण का मुद्दा है। वन क्षेत्रों में हमारी तरफ से कोई सेटलमेंट नहीं है और अगर मिजोरम सबूत दे सकता है तो हम तुरंत बेदखली करने को तैयार हैं। सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि पड़ोसी राज्य को असम का एक भी इंच जमीन कब्जा करने नहीं देंगे। उन्होंने कहा, लोगों ने बलिदान दिया है लेकिन सीमा की रक्षा की गई और हम भी किसी भी कीमत पर सीमा की सुरक्षा जारी रखेंगे। असम सरकार ने राज्य भर में 3 दिनों के शोक का भी ऐलान किया है। आदेश दिया गया है कि सभी सरकारी कार्यालयों पर मारे गए पुलिसकर्मियों के सम्मान में तिरंगा आधा झुका रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।